स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एलएचवी एवं एएनएम कार्मिकों द्वारा शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ की पदाधिकारी ने बताया कि पिछले लंबे समय से एलएचवी व एएनएम की विभिन्न मांगों की तरफ सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर इन कार्मिकों में जबरदस्त रोष है। उन्होंने बताया कि तीन प्रमुख मांगे जिसमें एएनएम को ग्रेड पे 3600 एवं एलएचवी को ग्रेड पे 4200 करने, पदोन्नति के अवसर प्रदान करने तथा पदनाम परिवर्तन करने की मांग शामिल है। इन कार्मिकों का कहना है कि वर्ष 2000 के बाद उनके वेतनमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया तथा चिकित्सा विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में इन कार्मिका की महत्वपूर्ण संबल तथा चिकित्सा विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में इन कार्मिकों की महती भूमिका रहती है। वंदे भारत से अभिषेक सेन की रिपोर्ट। हमारी टोटल तीन मांगे ही बड़ी बड़ी है कि सबसे पहले तो हमारा पे ग्रेड चेंज किया जाए, हमें भी 3600 का पे ग्रेड मिले और एनएम एलएचवी मैम को 4200 का पे ग्रेड मिले। दूसरा हमारा ये है कि हमारा पद नाम चेंज किया जाए। तीसरी हमारी ये है कि जब सारे डिपार्टमेंट में एएनएम कोई भी अगर ड्यूटी कर नौकरी करता हो तो उनमें होता है कि टाइम टू टाइम उन्हें पदोन्नति मिलती है, लेकिन हमारी एएनएम मैम के लिए वो जब ज्वाइनिंग करती है तब भी वो एएनएम होती है, रिटायर्ड होती है तब भी वो एएनएम होती है। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है कि हमें पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही है टाइम टू टाइम? जो हमारे नीचे फोर्थ क्लास होते हैं वो है ना यूडीसी और एलडीसी बनकर आ जाते हैं, लेकिन हमारी एनएमएनजी एनएमई ही तक होकर रिटायर्ड हो जाती है। तो हम सारे लोग गांधीवादी तरीके से 1 तारीख से हम धरने पर बैठे हुए हैं। अब हम लोगों में थोड़ा गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि राज्य सरकार हमें सुन नहीं रही है, हमारी और ध्यान नहीं दे रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़े दिन बाद अब थोड़ा उग्र व्यवहार से ही धरने वगैरह देंगे। और हमारी बहनें जयपुर में भूख हड़ताल पर भी उतरी हुई है, हर जगह उतरी हुई है, आप गाँव में जाओ सब जगह उतरी हुई है। हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी कर दी जाए। एनएम और एलएचवी संघ से बोल रहे हैं, हमारी पूरी राजस्थान में धरना चल रहा है कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग है ना 2000 के बाद में हमें कोई भी पे ग्रेड में कोई चेंजेस नहीं मिला, जबकि सारे डिपार्टमेंट में मिल गए, पुलिस वालों में मिल गए, शिक्षा विभाग में मिल गए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम खाली महिला हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं के नहीं सुने, हमने बार बार धरना भी दिया, विज्ञप्ति भी दी, लेकिन राज्य सरकार हम